तेज वाटणी उज नेटवर्क एंड एंटरटेनमेंट चॅनल संपूर्ण राज्यातील विशेषतः आपल्या परिसरातील ताज्या घटना घडामोडींचे व्हिडिओ वृत्त सर्वप्रथम आपल्या मोबाईलवर विनामूल्य पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा व बेल आयकॉन प्रेस करा वर हा अपडेट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भारतवासियों, देशवासियों और आलम इस्लाम को मेरी जानिब से रमज़ानुल मुकद्दस महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आज आप लोगों के सामने महाराष्ट्र में जो अज़ान के मसले पर अफवाहें फैल रही हैं उस ताल्लुक़ से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मोहतरम अजीज़ों, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसी भी जगह कोई भी मस्जिद में किसी भी तरह की अजान पे पाबंदी नहीं है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में, अपने गांव में, अपने शहरों में अगर कोई जातीयवादी मानसिकता रखने वाले लोग अजान के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर या प्रशासकीय अधिकारियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पद का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के गृहमंत्री जनाब नामदार अनिल देशमुख साहब ने अपने ट्विटर में साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र में कोई भी जगह किसी भी मस्जिद पर किसी भी शहर में अजान पे पाबंदी नहीं है। कल मेरे सामने कुछ जगहों से अजान के ताल्लुक से मुझे बताया गया कि हमारे इस इलाके में अजान पर पाबंदियां लगाई गई है। मैंने फौरन कल कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और महाराष्ट्र के सरकार में बैठे कुछ ज़िम्मेदार लोगों के साथ मैंने फ़ोन पर बात की, कुछ लोक प्रतिनिधियों के साथ मैंने फ़ोन पर बात की। उसी दरमियान महाराष्ट्र के गृहमंत्री जनाब अनिल देशमुख साहब ने अपने ट्विटर पे साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह से अजान पे कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन अजान के बाद मस्जिद में कोई भी मस्जिदों में जाने की कोशिश ना करे, अपनी अपनी इबादतें अपने अपने घर में करे, चाहे वो रोज़ा इफ्तार हो, चाहे पाँचों वक्त की नमाज़ें हो, चाहे तरावी की नमाज़ हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पॉलिसी जाहिर की है, अपना मंसूबा जाहिर किया है कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह से अजान पे पाबंदी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी ये बात लेकर आता है कि आप अजान ना दें, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप उन कर्मचारियों से या उन अधिकारियों से ये ऑर्डर लिखित तौर पर मांगे, उनसे लिखकर मांगे कि फला फला मस्जिद पे अजान ना दे, ऐसा आप उनसे लिखकर मांगे। दूसरी बात ये है कि हम भारत के कानून को मानने वाले लोग हैं, हम भारत के राज्य घटना को मानने वाले लोग हैं। भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार या प्रशासन, पुलिस प्रशासन या आरोग्य प्रशासन की तरफ से जो भी हमें बार बार जो भी सूचनाएं दी जा रही है उन सूचनाओं का पालन करें। और मैं उन अधिकारियों को भी इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ समन्वय रखें और अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर लोगों पर अजान बंद करने के लिए दबाव ना डालें। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने अपने शहरों की, अपनी अपनी बस्तियों की और अपने अपने इलाकों में शांति बरकरार रखें, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का साथ दें, प्रशासन का साथ दें और सोशल मीडिया पर आने वाली जो भड़काऊ और इस्लाम विरोधी या सरकार विरोधी जो भी कुछ पोस्ट है उसको जवाब ना दे। सरकार अपनी अपने हिसाब से उन पोस्ट पर नज़र बनाए रखे हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को दोबारा अपील करता हूं कि आप सरकार की आदेश का पालन करें, मस्जिद में ना जाए, नमाज
तरावी और रोज़ा इफ्तार अपने घर पर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, संचार बंदी का ख्याल रखते हुए, लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए हमें इस महामारी को इस देश से भगाना है, हमारे इलाकों से भगाना है। इसीलिए ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की सरकार, इस देश की सरकार, इस राज्य की सरकार हमारी है। ये समझते हुए हमें सरकार का साथ देना चाहिए और हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। वापस दोबारा मैं आपसे रमज़ानुल मुकद्दस महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ और शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। My goal is to eliminate mathematics phobia so that students can learn mathematics with fun and crack any entrance exam in mathematics. I believe learning mathematics is fun. Come and experience at Anis Classes. Anis Classes, where maths is fun.